जी दोस्तों, रिजल्ट आ गया कि जिसका था इम्कान और जो नजर आ रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने बआसानी 8 विकेटों से मैच जीत के सीरीज में वाइट वॉश कर दिया पाकिस्तान को। वाइट वॉश मतलब कि तीनों ही मैच, 1, 2, 3, तीनों ही मैच पाकिस्तान हार गया और कुछ नया नहीं हुआ। बिफोर द सीरीज अगर आपको याद हो तो इतनी सी बस एक दिल की हसरत थी कि एट द एंड ऑफ द सीरीज पाकिस्तान बस इतना करने में कामयाब हो जाए कि हम ये कहने में कामयाब हो जाएं कि जी ऑस्ट्रेलिया तीनों मैच नहीं जीता, दो जीत गया, एक मैच पाकिस्तान कुछ कर कर आके इन्होंने ड्रॉ कर लिया। जीतने की भी आरजू नहीं की थी कि जीतने की शायद के बहुत बड़ी डिमांड है, तो किसी तरीके से ये कोई ड्रॉ ही कर दें कि हमारी जो टीम है वो किसी तरीके से भाई मैच ड्रॉ ही कर दे, जीतना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन इनसे ये वाली ख्वाहिश भी पूरी नहीं होती अपने क्रिकेट फैंस की, और वही जो इंतजार 1995 के बाद से अभी तक कंटिन्यू है और आगे पता नहीं फिर कितने साल और कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये अब वर्ल्ड कप की तरह ही होते हैं ये टेस्ट टूर भी, के हर तीसरे चौथे साल, तो तीसरे चौथे साल अब जब ये जाएंगे तो फिर जाके पता चलेगा कि उसमें भी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो ये 3 दहाइयां तो पार कर गया ये अब रिकॉर्ड, जब लास्ट नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान जाएगा तो ज़ारा कोई 32, 33, 31, 32, 33 जो भी साल हुए होंगे तो लोग दुनिया तब यही करेंगे जी 32 साल होंगे पाकिस्तान नहीं जीता। तो इस मैच में भी कुछ मुकाबला किया, लीड भी ली 14 रन की, ये भी देखिए लीड में ही हम खुश थे, लीड ले ली। बट एट द एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया प्रूव्ड वाई दे आर द बेस्ट टीम, और एट होम तो हमारे वो आके एक्चुअली हमें हमारे घर में भी हरा के चले गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने क्या ही हमसे हारना था। और बड़ी पथेटिक परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है इन टर्म्स ऑफ फील्डिंग, पहले नंबर पे फील्डिंग, बैटिंग सबसे बेकार बैटिंग की है और उसमें हमारे स्टार प्लेयर्स ज्यादा कसूरवार हैं, और फिर बॉलिंग में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ शाबाशी देनी पड़ेगी कि जो रिसोर्सेज थे उसमें बॉलिंग ने ओवरऑल ठीक ही किया। फील्डिंग बड़ी पैथेटिक थी और बैटिंग जो है उसने तो बहुत ही मायूस किया। 89 पे एक इनिंग्स में आउट हुआ है, इस वाली बारी में 115 पे, जब जरूरत थी कि 250, 300 रन बोर्ड पे डालते 115 पे आउट हो गए। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की वो टेस्ट क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं है, खास करके कैचिंग इनकी बिल्कुल बच्चों वाली है, और ऐसे है कि जैसे क्लब लेवल के क्रिकेटर्स भी शायद उससे अच्छी कैचिंग कर लें। तो ख्वाब ख्वाब ही रहा, और अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम क्या करेंगे। वार्नर का आखिरी ये मैच और आखिरी इनिंग्स थी, उसमें भी 50 करके गया है वो 57, तो हम उसको बेस्ट विशेस कहते हैं, वट एवर ही इज प्लानिंग टू डू इन द फ्यूचर, बेस्ट विशेस। बहुत अच्छी और बेहतरीन परफॉर्मेंसेज उसने दिखाई हैं और हमारे खिलाफ तो बहुत ही दिखाई हैं। तो जी मोहसिन अली साहब, इंतजार 95 के बाद इंतजार इंतजार ही रहा और वही हुआ कि जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी 3-0। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। जब तक आप इस मेंटालिटी और सोच से बाहर नहीं निकलेंगे कि हम यहाँ पे पहले भी कुछ नहीं करते थे, अभी भी कुछ नहीं करेंगे, जब आप डिक्टेटरशिप करेंगे, जब आप पसंद नापसंद के डिसीजन लगाएंगे, और आपका कप्तान जो है उसको 20 ओवरों तक आपका मेन बॉलर याद नहीं आएगा, ये रिकॉर्ड आमिर जमाल का था। सिर्फ इससे पहले मतलब वसीम अकरम और इमरान खान की क्लास में तो ये आ चुका है। अजीम हफीज था जिसने 83-84 में या 84-85 में 19 विकेटें ली थी, तो इसने 18 विकेटें ली है, थैंक्स मेनली टू अवर सुपर कैप्टन मिस्टर शानू द किंग, जिन्हें 20 ओवरों तक याद ही नहीं रहा कि आमिर जमाल हमारे पास है। और सबसे बेस्ट प्लेयर था पाकिस्तान का, बाय फार द बेस्ट। द लाउड माउथ्स आर लेड टू रेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। आई होप के कोई कोई गैरतमंद इंसान पाकिस्तान से उठेगा। हैट्स ऑफ टू वार्नर, व्हाट अ टेरिफिक करियर, 2 वर्ल्ड कप्स, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, आईपीएल टाइटल एज ए कैप्टन, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, एवरीथिंग, वर्ल्ड टी20,
Nothing, nothing excluded from his cabinet. Nothing. What a great servant he is. His daughters hugged him. बड़ा अच्छा लगा, फैमिली आई हुई है, बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन दिया क्राउड ने, एंड ही डिजर्व, ठीक है। वो 2018 विल हॉन्ट हिम ऑब्वियसली, बट द क्राउड गेव हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन। रिजवान अदर, अवर फील्डिंग, अवर कैप्टनसी, अवर मैनेजमेंट, आई एम वेरी सॉरी, आई विल नॉट एग्री विद दिस के मुकाबला किया दिले नतवा ने तो मुकाबला बड़ा किया तो ये हुआ तो वो, आई डोंट एग्री विद दिस। मुकाबला 10 में भी हुआ, 16 में भी हुआ, मुकाबला क्या होता है, व्हाट इज मुकाबला। दिस टेस्ट मैच वाज डेजिग्नेटेड फॉर पाकिस्तान, इट वाज पाकिस्तान्स मैच टू लूज, एंड यू आर बैडली हैमर्ड एंड बैम्बूजल्ड इन सिडनी, बिकॉज ये आपकी बैटिंग, आपकी कप्तानी, आपकी फील्डिंग, हर चीज सिवाय बॉलिंग, और वो भी आमिर जमाल, यार साजिद ने दो आउट किए हैं लेकिन इतना एग्रेशन, इतना शोर, इतना गुस्सा, उफ, इट इज सो इरिटेटिंग। रिजवान साहब, फास्ट बॉलर का एग्रेशन आमिर जमाल, इट मेक्स सेंस। आपका कप्तान ना फील्ड प्लेसिंग ना बॉलिंग, और कैच इतना आसान लैबुशैन का, छोड़ के लैबुशैन ने कहा शुक्रिया यार, दोनों इनिंग्स में आपने मेरा 50 करवा दिया। तो देखे आप 129 करके भी ना, वेरी सॉरी टू से, क्योंकि मैच तो किसी ने देखा नहीं सिवाय हमारे, ये बड़े बड़े आएंगे प्ला प्लू चढ़ी चढ़ा, मैच ही नहीं देखा, उन्हें पता ही नहीं चले। नोबडी विल से अ सिंगल वर्ड फॉर शानू द किंग। हाँ, वीर पे डालेंगे कुछ, और बाबर की मां बहन करेंगे, और ना सऊद के ऊपर बात होगी, ना अब्दुल्ला पे बात होगी, ना इमाम। रिजवान दो टेस्ट मैच खेल के तकरीबन 200 रन करके कुछ 50 के करीब की औसत से टॉप स्कोरर दो मैचों में, और वो बाहर बैठा पहले मैच में कराची की सिर्फ बदमाशी और कराची के चाचू पे। पाकिस्तान क्रिकेट इज गोइंग डाउन वेरी रैपिडली, एंड आई एम सॉरी, ये टेढ़ी अंग्रेजी तो अली को बिठा दे, हसन को बिठा दे, कसम से बेहतरीन बोलेंगे, और कप्तानी इससे बेहतर फैसले शायद कर ले। सही बात है जी, ऐसा ही है। ओवरऑल देखे, हमने काफी डिटेल में बिफोर द सीरीज भी बात की थी, ड्यूरिंग द भी हर मैच, हर सेशन में आपके साथ होते हैं, और ओवरऑल पाकिस्तान ने बॉलिंग में, आप बॉलिंग को मार्जिन थे कि बॉलिंग ने फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा कम्पीट किया, लेकिन थर्ड क्लास फील्डिंग की वजह से बॉलिंग भी कहीं कहीं लेट डाउन आपको महसूस हुआ कि जी किया उन्होंने। जब कैच नहीं पकड़ेंगे तो फिर बॉलर्स और भी पिटेंगे, फिर अगली अपॉर्चुनिटी निकलने तक फिर उनको इंतजार करना पड़ता है, फिर बॉलिंग पे बॉलिंग। सो दे वर इन अ पोजीशन इन द प्रीवियस मैच व्हेन दे हैड टेकन 4 विकेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एट 16, दैट वॉज द प्रॉब्ली द बेस्ट चांस ऑफ पाकिस्तान, कि जब उनके 70 ऑड को लीड पे 4 आउट थे, वहां पे वो कैच अगर पकड़ लेते तो शायद कुछ और हो जाता, मतलब नतीजा। कैचेस इन्होंने थोक के हिसाब से छोड़े हैं, पहले क्रिसमस के गिफ्ट देते रहे उनको, फिर नए साल के गिफ्ट देते रहे, तो कैचिंग तो इनको बैटिंग और बॉलिंग को साइड पे रख के पूरा दिन धूप में खड़े करके 4-4 घंटे इनसे सिर्फ कैचिंग करवाए, ताकि इनको कोई पता चले कि कैच करना कैसे है, और एक कैच इनको मैच कॉस्ट कर देता है, ये आप पता चल गया होगा पिछले मैच की कहानी आपके सामने, एक कैच आपको पूरा टेस्ट मैच भी कॉस्ट कर देता है। T20 और वनडे तो आपने सुना ही था, टेस्ट मैच भी एक कैच ही कॉस्ट कर देता है। तो जो बच्चे नए आ रहे हैं उनकी कैचिंग थर्ड क्लास है। अब्दुल्ला की बात कर लें, साइन कभी आया, पहला मैच है उसका, 2 कैच छोड़ दिए, इवन अभी बाकी भी छोड़ रहे हैं कैच, शानू साहब ने भी कैच छोड़ा अभी अभी, तो जो अपॉर्चुनिटी निकलती है वो कैचिंग बड़ी बकवास है। और फिर बैटिंग पे तो आपने देखा है कि उसका तो जिस पहलू से भी देखें उसी पहलू से ही वो फजूल नजर आती है हमारी बैटिंग। हमारे बैट्समैन कुछ हटके शॉट्स नहीं खेलते, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, बिल्कुल कन्वेंशनल तरीके से भी सॉलिड नहीं खेल सकते। वो जमाल 9वें नंबर पे आके वो रिवर्स स्वीप मार रहा है, मैन ऑफ द मैच है, मैन ऑफ द मैच, जिसे आपने 20वें ओवर में लाया,
जब 100 हो चुका था, तो अंदाजा करें 82 रन भी है और लूजिंग साइड पे भी है 82 और फिर भी लोग तारीफ कर रहे हैं, शायद मसूद व्हाट अ कैप्टनसी यार, कुछ बंदे में कोई थोड़ी सी अगर हम में हया हो तो हम आज के मैच के ऊपर ही, सिर्फ आज की इनिंग पे कप्तानी जज कर ले तो सब समझ आ जाएगा। 430 तकरीबन पाकिस्तान ने रन किए हैं इस पूरे मैच में, 100 रन उसके हैं बीच में, 100 रन आमिर जमाल के, अंदाजा करें। यानी पाकिस्तान ने 400 किया, 100 तो उसी का बीच में बैटिंग में, और वो बीच में इनके 6 आउट भी करके गया। तो ये दूसरों को शर्म नहीं आनी चाहिए। बाकी जो 18 विकेटें हैं मिल मिला के, उन्होंने 300 किया, वो अकेला ही जो है 100 कर गया, वो भी 9वें नंबर पे बैटिंग करते हुए आके। एनीवेज जी, अच्छा जी, गोला गंडा साहब कुछ ऐसा नाम है, वांट टू आस्क व्हाई मोहसिन भाई कॉल्ड जमाल पर्ची, और एवरी तीसरे बंदे को मोहसिन भाई पर्ची बोल देते हैं। इट्स वेरी इजी टू कॉल समवन पर्ची सिटिंग एट होम। इसका वैसे जवाब तो दे दिया इन्होंने, बता दीजिए दोबारा जी वो जर्नलिस्ट वाले यार, एक इस तरह करें, एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट डाल दें। इट इज बेटर यू पुट अ रिकॉर्डेड स्टेटमेंट ऑन माय बिहाफ। आमिर जमाल को मैंने पर्ची नहीं कहा था, मैंने कहा था कि ये आया इस्लामाबाद के उस पे था, देखें फिर मैंने इसको पढ़ा डिटेल में, एक्सप्लेन किया था, हर एक को कोई ना कोई लेकर आता है, जैसे मुझे डॉक्टर श्री मजारी ने ब्रेक दिया, आपको किसी ने ब्रेक दिया, ये इट्स अप टू यू कि आप आगे कैसे परफॉर्म करते हैं। आई विश के जो सो कॉल्ड सुपर क्रिकेट और फिर बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर भी बोलते हैं कई सारे उधर इधर, तो काश उनको भी रिमाइंड कराया जाए कि किस तरह फिर मजा आए। हम तो फौरन मान लेते हैं, मुझे इससे पहले कि कोई कहे मैं खुद से मान लेता हूं कि हाँ यार ये बात सही है। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया पहले, और गार्मिन बैठ के बताना है ना, मैंने ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में तो जाना नहीं है कि मैं वहां जाके बताऊंगा कि क्या होना है। आप लोग जर्नलिज्म को मजाक समझते हैं, आप समझते हैं कि विक्रांत गुप्ता या बाकी जो है इनके पास लाइसेंस है कुछ स्पेशल, और जो बाकी जो होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता, वो बोल नहीं सकते। ये मैं थोड़ा सा समझ नहीं सका आज तक ये बात। गुप्ता साहब को बड़ा याद कर रहे हैं आप कल से, वो सबसे बड़ा जर्नलिस्ट है ना इंडिया का, देखे इज द बिगेस्ट जर्नलिस्ट जिसे हम जानते हैं, सारी दुनिया जानते हैं। मिसाल उसे आप बाबर की मिसाल क्यों देते हैं, कप्तान शान मसूद है क्यों देते हैं, ही इज द बिगेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान। तो बिगेस्ट जर्नलिस्ट की मिसाल मैं, ये तो मैं एक एहसास के तौर पे कहता हूं, आई नेवर यू नो कि हम विक्रांत भाई की, बाकी उनके अपने ख्यालात हैं, हमारे अपने ख्यालात हैं, हम हमेशा उनकी रिस्पेक्ट, वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। आप तो मिले हैं, मैं तो मिला भी नहीं हूं, लेकिन मिसाल उसी की दी जाती है जो इस काबिल होता है, जो इस काबिल नहीं होता उसकी कोई मिसाल नहीं देता। चांद पे पहला बंदा कौन गया सबको याद है, चांद पे दूसरा तीसरा चौथा कौन गया याद ही नहीं रहता। तो ये विक्रांत भाई एक बड़ा नाम है, इसलिए ना मिसाल देता हूं कि उन्होंने भी तो नहीं ना। ठीक, फील्ड एक्टिवनेस एंड अलर्टनेस का बड़ा इशू है जी एशियन टीम्स का। फील्ड पर हम सेना से काफी पीछे हैं, उनके आगे टायर्ड और एग्जॉस्टेड लगते हैं जी हम लोग। जी भाई, हम नहीं लगते, हम लगते हैं, हम वी लुक टायर्ड। आप तो नहीं टायर्ड लगते, सालों को 36 पे जाके भी हरा दिया आपने, सारे आपके मीडिया ने, सारे आपके लेजेंड्स ने, आपकी माँ बहन की आपने उनको उड़ा के रख दिया, तो हाउ यू लुक टायर्ड इन द फील्ड, आई डोंट एग्री विद दिस। यस यू लॉस्ट टू मेजर टूर्नामेंट्स, वन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल एंड अदर वर्ल्ड कप फाइनल, एंड ये है बात, पर आपने उनको उनके घर में जाके दिखाया जो काम अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज कोई नहीं कर सका, वो आपने किया, हम तो किसी खाते में नहीं। देखें जी, अभी तीनों डिपार्टमेंट जो खेल के होते हैं, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग, तो पहले मैंने फील्डिंग से आगाज किया पाकिस्तान का, फिर बैटिंग की बात की है, फिर एंड पे बॉलिंग की बात की है। तो फील्डिंग ने बहुत मायूस किया है, बैटिंग ने भी काफी मायूस किया है, लेकिन अगर तीनों में से कोई एक चीज पिक करनी हो तो इट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू सी ओवर फील्डिंग, स्पेशली कैचिंग, जो इन्होंने कैचिंग जो कैच छोड़े 12 के 13 कैच छोड़े हमने, ऐसे कोई ना, मतलब अपने बाल इन्हीं के बाल खींच रहे, अपने क्यों खींचे,
ऐसी फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग आती है टेस्ट मैच में, घंटों घंटों बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, ये मगरमच्छ की तरह मुंह बना के ऐसे करके वो नीचे गिरा देते हैं। तो इनको नेक्स्ट टाइम जो भी इनका कोच है, अगर उसमें थोड़ी सेंस हो, इनको बोले भी बल्ला और वो रख दें गेंद इधर, और आज फील्ड में तुम लोगों की हर रोज 3-3 घंटे तुम लोगों की जहां पे जो फील्डिंग करता है उस एरिए में आपकी 3-3 घंटे आपके यही काम करना है, और सीधा हाथों में कैच नहीं फेंकने, इधर उधर भी सज्जे खब्बे भी फेंकने, टफ प्रैक्टिस कराएं। और दूसरी बात यह है कि जब तक ये काम ये नहीं करेंगे तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। कैच ही छोड़ दिया यार, बाकी फिर बाकी क्या कहानी रह गई। तो हम पीछे हैं फील्डिंग में, नो डाउट अबाउट इट। देयर वाज अ टाइम कि जब श्रीलंका जो है वो एशिया की भी और दुनिया की भी वन ऑफ द बेस्ट टीम होती थी फील्डिंग में, उनका स्टैंडर्ड भी नीचे चला गया है। और हम तो खैर अभी श्रीलंका में हमने पता नहीं कैसे गलती से बड़े अच्छे कैच पकड़ लिए थे, आउट ऑफ 22 कैचेस वी ग्रैब्ड ऑलमोस्ट 20, एक आधा ही छोड़ा था हमने, तो वो पता नहीं हमने क्या खा लिया था या क्या कहानी थी, कौन था फील्डिंग कोच जो था उसको। अभी ये सुना है कोई वो जो मौसम भाई पर्ची पर्ची बोलते हैं हर दूसरे बंदे को, तो ये भी कोई पर्ची वाले कोई अभी इन्होंने साथ लगाया हुआ फील्डिंग कोच, कोई पता नहीं मजीद नाम है क्या नाम कोई, तो फील्डिंग आपके सामने मेजॉरिटी ऑफ पर्चीज तो प्रूव हो जाते हैं, चलो एक आध जगह मैं गलत हो जाता हूं। हां ऐसे ही सैड लॉस करें जनाब, टफ टू बीट ऑस्ट्रेलिया दो, पाकिस्तान फॉट वेल इन फेजेस, मौसम इज वाज व्हाट चेंजेस शुड बी डन फॉर फ्यूचर, हु शुड बी द नेक्स्ट कैप्टन। देखिए कैप्टन यही होना चाहिए, आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट दिस बुलशिट कि आप कप्तान को बलि का बकरा हर दफा बनाते हैं, दैट इज वेरी वेरी बैड। अगर अब आपने इसको बनाया है तो गिव हिम सम टाइम, गलतियां करेगा डेफिनेटली करेगा, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो गलतियां ना करे। बड़ा इमोशनल सीन है, अभी तक वार्नर बड़ा बच्चों के साथ टीम के साथ सबके साथ सेट रहा है, लेकिन अभी जब बीवी के साथ मिला है तो इज वेरी वेरी इमोशनल, बड़ा अच्छा लग रहा है, फैमिलीज आई है। एनीवेज देखे कप्तान को नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं मानूंगा कि एक सीरीज ठीक है ही वाज ठीक है, कोई बात नहीं, पहले सीरीज है। देखे कप्तान के साथ मैनेजमेंट भी होती है रिजवान, आज तक मैंने नहीं सुना कि फील्डिंग कोच बॉलिंग कोच, देखे ना इन सब का भी तो बीच में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और सबसे बड़ी पाकिस्तान आया है, पहले आप एशिया कप फिर वर्ल्ड कप, और अभी ये कुछ अभी पहुंचा हुआ ना वहां याशी करने पहुंचा हुआ मुल्क और कौम के। वैसे तो चेयरमैन की तनख्वाह नहीं होती, टीएडी और पूरा बजट होता है, असल में यहाँ खाऊ एक्सप्रेस सारे पीसीबी में जुड़े हैं। एशिया कप में बेड़ा गर्क हुआ, चौथे नंबर पे एशिया में फिनिश किया, फिर वर्ल्ड कप में हम पहली दफा 5 मैच हारे, पहली दफा जितने भी वर्ल्ड कप हुए देयर वाज फर्स्ट टाइम पाकिस्तान लॉस्ट 5 मैचेस, वो इसी मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट बेशरम उधर के उधर ही है, कप्तान चेंज कर रहे हैं, प्लेयर चेंज कर रहे हैं, किसी को निकाल रहे हैं किसी को डाल रहे हैं, इनको निकाल दो तो फिर कैसे फर्क पड़ जाए। ये ऑस्ट्रेलिया में भी 3-0 का जो दोबारा तौक जो है गले में डाल लिया इन्होंने, तो बात ठीक है भाई, अब कप्तान रोज रोज तो चेंज नहीं होंगे ना, अब ये म्यूजिक चेयर तो नहीं है कि एक बैठ जाओ फिर दूसरा बैठ जाओ, इस तरह कंटिन्यूटी नहीं आएगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अब इसको दें थोड़ा मतलब 1.5-2 साल दें, शायद कुछ अच्छा कर ले, अपनी कोई एवरेज ही कोई शायद ले जाए ऊपर थोड़ी। देखो इस तरह की जब सिचुएशन होती है ना तो आप कहते हैं, वो विराट कोहली ने कहा था या आदित्य साहब का सवाल भी है कि मेक हेल, एक एक रन जो हो ना उसके लिए इनको आपने नाकों चने चबवाने हैं। आप मुझे बताएं, मैं क्योंकि सवाल आपसे है कि क्या आपने नाकों चने अपने 5 रन की औसत के साथ इस मुश्किल विकेट पे अगलों ने 129 यू किया 25.5 ओवर, तो क्या एटीट्यूड होना चाहिए रिजवान साहब कोहली जैसा जिसने कहा मेक हेल ऑन द प्लेनेट टिल एंड लेट देम फाइट फॉर ईच एंड एवरी रन, या आप वाले कप्तान जैसा होना चाहिए? नहीं देखिए ये तो जो जो भी अच्छे कप्तान रहे हैं सबका यही एटीट्यूड रहा है। इमरान खान लाइक वी हर्ड दैट ही यूज्ड टू से दैट आई नीड द सेम बॉडी लैंग्वेज अंटिल द लास्ट बॉल और अंटिल द लास्ट स्कोर लास्ट रन टू बी स्कोर्ड, तो मुझे बॉडी लैंग्वेज और इंटेंसिटी वही चाहिए। अगर तुम लोगों ने पहले से शोल्डर डाउन कर लिए
फिर आई एम नॉट गोइंग टू लाइक दिस एटीट्यूड। तो ये तो आपके जमाने की बात है, इमरान खान से बड़ी मशहूर थी कि आखिर इमरान खान के बाद आमिर जमाल बन गया ना, 200 प्लस रन इमरान खान, 25 विकेट। आई एम टॉकिंग समथिंग एल्स। नहीं, वो मेंटालिटी तो ऑब्वियसली यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो मेंटालिटी है तो आज आपकी फॉर्म कहां खड़ी हुई है। ये 130 पे इन्होंने मतलब एक तो वो जिसने लिए सबसे ज्यादा विकेट है उसको तुम 20 ओवर में ओवर दे रहे हो, 100 रन बोर्ड पे लग गए हैं। और कुछ मतलब ये इसी मैंने जैसे पहले कहा था, ये इसी इंतजार में था कि गेंद पुराना हो जाए। गेंद पुराना क्या, तुम मैच ही फारग हो गए, तुम्हें चाहिए कि उसको पहला उसके साथ दो ओवर कराए मीर हमजा से, तो बल्कि नया गेंद इसी को देना चाहिए था। मीर हमजा को भी वो वार्नर 3 कदम तो बाहर खड़ा हुआ था क्रीज के, इसकी गेंद नहीं पहुंचती तो मैं गेंद की तरफ पहुंच जाऊं। यार आपके दो बेस्ट बॉलर थे, आपने उन दोनों बेस्ट बॉलर को यूज ही नहीं किया दूसरी इनिंग में जब आप 129 रन पे थे। मीर हमजा जब बॉलिंग कर रहा है तो वार्नर 3 कदम बाहर खड़ा हुआ क्रीज से कि भाई इसकी गेंद तो आते आते टाइम लेगी, मैं ही बाहर खड़ा हो जाता हूँ। नहीं भाषण तो इसलिए नहीं था, वो स्विंग को कंट्रोल करने के लिए जब आप बाहर खड़े होते हैं ना, क्योंकि मीर हमजा ने इन्हें तंग बहुत किया तो वो स्विंग कंट्रोल करने के लिए ये भी इनकी जमाल को ओवर तभी मिलना चाहिए था, उसी वक्त ही ओपनिंग में ही आमिर जमाल को दे देते ओवर बजाय इसके कि इतना इंतजार करने के। दे वेटेड सो लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैच तो गया ही था, लेकिन अगर यहाँ पे कोई 5 विकेटें गिर जाती, कुछ 4-5 विकेटें गिरी होती, कुछ थोड़ा सा ये, कुछ हम चलो फाइट करके आ रहे हैं। टीवी में बैठ के उछल उछल के बोलना आसान है, और कहता है मैं कोई प्रेशर नहीं लाऊंगा, सबसे ज्यादा प्रेशर इस हफीज ने इस टीम पे लाया। गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू, गोइंग डाउन जी। अविनाश तिवारी जी, वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस आपके सामने है, एशिया कप में परफॉर्मेंस आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया में इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू सी द लूजिंग द मैच सीरीज आफ्टर सीरीज सीरीज आफ्टर सीरीज। 95 के बाद से पाकिस्तान जब जब भी गया है हारा ही है, 99 2000 में, फिर 2004-5 में, फिर 2009-10 में, 2016 में, 2020 में, 2023-24 में, एवरी टाइम दे वेंट दे लॉस्ट। 17 टेस्ट मैचेस दे हैव लॉस्ट इन ऑस्ट्रेलिया ऑन अ ट्रॉट कंटिन्यूसली। अब क्या बोले, व्हाई पाकिस्तान टीम इज सो पुअर एज अ फील्डिंग यूनिट, दे शुड हैव सम टेस्ट or something, why whosoever fails should not be selected, Lakshya Sharma sir. Lakshya Sharma sir, pehli baat to ye hai ke those who are running the show, they don't deserve to be even near the PCB offices rather than heading the PCB. Pehli baat to ye hai. Dusri baat ye hai कि दुनिया भर में कोचिज का एक क्राइटेरिया होता है, कोचिज को लाने का एक तरीका होता है, एक अमल होता है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो लेवल 4 इंग्लैंड से करे बगैर बड़ी बड़ी काउंटियों के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, उनको जो है ये आ गया बेशरम प्रेस का। शक्ल पे देखे, चेहरे पे लानत बरस रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया लानत बरस रही है इसकी चेहरे पे। तो मंदीप वीर जी ब्रदर्स, एमसीजी मैच पाकिस्तान विन, हाँ मेलबर्न वाले में चांस था टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब 16 पे 4 आउट थे इनको कोशिश करनी चाहिए थी कि मैक्सिमम 150 के अंदर अंदर आउट कर लेते, 200 के करीब का टारगेट मिलता। तो 16 पे 4 से जब इन्होंने 262 करा दिए तो वो वाली अपॉर्चुनिटी भी लॉस्ट कर दी, और वो फील्डिंग की वजह से कॉस्ट की है। तो पाकिस्तान का बेशक के इस मैच में इन्होंने 14 रन की लीड ली है, लेकिन रियलिस्टिक चांस जो नजर आ रहा था उस वाले मैच में आ रहा था, इसके बावजूद भी कि इन्होंने लीड कंसीड की हुई थी, लेकिन 16 पे 4 आउट करने की वजह से दे वर इन अ बेटर पोजीशन, और बैटिंग कंडीशंस भी वहां पे बेहतर थी, लेकिन ये फील्डिंग हमें खा गई, मैच खा गई। वो रिजल्ट 100% एज पर एक्सपेक्टेशन आया, समीर भाई कह रहे हैं बिगेस्ट विनर राउफ स्मार्ट गाय and the biggest loser Babar, he totally got exposed with no captain excuses. Pakistan fans should forget the match. Harish log dekhe test match forget test match test match acha.
तो आपने दो तीन बातें की हैं, आरएसडब्ल्यू स्मार्ट गाय तो नहीं है? लोगों की नजर में कह रहे हैं कि जी वो मतलब डरपोक है, वो सिर्फ पैसों के लिए खेलता है, जहां टीम को जरूरत है वहां पे आमिर जमाल की इज्जत में जो इजाफा हुआ है वो आपके सामने। अब इसकी पहली सीरीज थी आमिर जमाल की। सो दिस एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट इज एन अपॉर्चुनिटी। मैंने इसका इंटरव्यू देखा आमिर जमाल का, वो कहता है ये मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है, मेरा पैशन है क्रिकेट खेलना और मैं इसको बड़ा सीरियसली लेता हूं। तो ये देखने का एक नजरिया है। एक नजरिया ये है कि जी मैं ऑस्ट्रेलिया में हम कभी नहीं जीते, हम जाके अभी पिट जाएंगे, मार खा जाएंगे। तो मेरा तो पहले भी बड़ी बड़ी ताजा मार खा के आया हूं मैं वर्ल्ड कप में। तो ये एक और तरीका नेगेटिव सोच है सोचने की। पॉजिटिव ये है कि जो आमिर जमाल को मौका मिला और उसने जो परफॉर्म करके बताया, मैच हारे हैं, प्लेयर ऑफ द मैच उसको मिला, और ओवरऑल उसने जो हर बंदा ही आप भी तारीफ कर रहे हैं, जितने लोग हो रहे हैं कि जी व्हाट अ फाइटर, व्हाट अ दिस, तो ये तो अपॉर्चुनिटी की बात है। तो अब वो स्मार्ट गाय नहीं है रऊफ, वो बेवकूफ गाय है वो भी, के मेला वो लूट गया कि जिसका बड़ा दिल था और उसने जाके परफॉर्म कर दिया वहां पे। पहला ही सीरीज थी उसकी। दूसरी जो आपने बात की है जी बाबर, हाँ बिल्कुल, वो तो हम उस पर काफी डिटेल में बात कर चुके हैं। के ही इज द बिगेस्ट फेलियर इन बैटिंग डिपार्टमेंट, नो डाउट अबाउट इट। व्हेन यू टॉक अबाउट हिज नेम, बड़ा नाम है और दिस एंड दैट, ही शुड हैव परफॉर्म। 21 की एवरेज से इतने बड़े बैट्समैन से रन एक्सपेक्टेड नहीं है, ओवरऑल भी 25 की एवरेज है ऑस्ट्रेलिया में। तीसरा इसका टूर था, 16 इनिंग्स है, 100 है, 150 है, तो बिल्कुल भी बहुत मायूसकुन परफॉर्मेंस दिखाई, नो डाउट। और आप कह रहे हैं टेस्ट क्रिकेट को भूल जाना चाहिए, तो देखें ऑस्ट्रेलिया को पैमाने पे अगर रख के आप तोलेंगे ना, तो फिर इंडिया ही है जो जीता है, बाकी तो इंग्लैंड भी हार जाता है, फिर वो भी टेस्ट क्रिकेट छोड़ दे। साउथ अफ्रीका भी लास्ट टाइम फेंटी खा के आया था, न्यूजीलैंड भी हमारे साथ साथ ही है, वो कितने 16 मैच आ रहा है मौसम में जी, लगातार, सोलह सोलह तो वो भी हमारे भाई हैं साथ साथ ही, फिर न्यूजीलैंड को भी टेस्ट क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में ये पैमाना नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में तो सिर्फ इंडिया कैसी तरह से जीता है पिछली दो सीरीज, वरना तो वहां जाके वो जीतने को ही नहीं देते। तो वो कोई पैमाना नहीं है मापने का कि आप टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। नहीं, असल में बिगेस्ट लूजर जो है ना वो हरीश रऊफ किसी तरह भी नहीं है। जो बात सच है, हरीश रऊफ इज नॉट अ टेस्ट मटेरियल, क्योंकि उसका स्टेमिना फिटनेस नहीं है, उसको ब्लेम करना ज्यादती है। मेरे नजदीक बिगेस्ट लूजर जो है ना इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसके बड़बोले हैं, और हफीज हफीज इज द मेन कल्प्रिट कि उसने इतना टीवी में शोर मचाया और आते हुए भी हम जीतने आ रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इतना इतना उसने पॉइजनस किया ना माहौल को, इतना प्लेयर्स को इसने वो खराब किया जिसकी इंदा। ठीक है, खेलना प्लेयर ने, हफीज ने नहीं है, लेकिन रिजवान साहब मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगा कि कोई आउटसाइड नॉइज नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ये मैं नहीं मानूंगा। प्रेशर होता है, आप टीज करते हैं, आप मेंटली बंदे को टॉर्चर करते हैं, फिजिकली टॉर्चर करते हैं। हफीज ने ये सारे काम किए हैं। अभी जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, उसके चेहरे पे जिस तरह वो था ना, ये अल्लाह की तरफ से आपके चेहरे पे मार है। सीधी और साफ बात, अगर आप सारी बातों की एक बात मुझसे पूछे, वो एक बात ये है कि आप ये जो शान मसूद ने कहा ना, वी लर्न वेरी थिंग्स वेरी पॉजिटिव, यू लर्न नथिंग, कोई पॉजिटिव नहीं है, यही हमारी क्रिकेट शुरू से है। इसी तरह किसी एक मैच में हम आधे मैच में आसमान पे होते हैं, पर तारे जमीन पे, नथिंग न्यू। जब तक हम इस मेंटेलिटी से नहीं निकलेंगे कि जनाब कोई भी नहीं जीतता था तो हम भी नहीं जीते, तो क्या हो गया, वाय सच हाय एंड क्राई, ये बात सच है, लेकिन ये 50,000 में काम होता था, अब 50 लाख में ये काम होता है। पाकिस्तान के माल पे याशी हो रही है, पाकिस्तान देखें, आप समझ नहीं रहे एक बात, सारे आपकी रैंकिंग अच्छी है ना, आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको माल पानी आईसीसी से आ रहा है। जब आप बॉटम में जाएंगे ना रिजवान साहब, तो आपको माल पानी कम हो जाए। आपकी तनख्वाहों की मद में करोड़ों रुपए है, प्लेयर की नहीं, ये सिक्कू मिक्कू चिक्कू फिक्कू, ये जो है पीसीबी से पेंशन याफ्ता मराहत याफ्ता, ये नहीं देख रहे अगर पीसीबी के प्लेयर अर्निंग नहीं होगी, एड वैड तो इनका डिपार्टमेंट फारग है, तनख्वाहें लेता है, स्पॉन्सरशिप वगैरह तो आती कोई नहीं है, सारा कुछ
पीसीबी के माल से जा रहा है तो ये बड़े बड़े टाइटैनिक डूब जाते हैं, तो अगर आपकी रैंकिंग नीचे आती जाएगी रिजवान तो प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा। प्रोग्राम तो बढ़ ही गया। टेनिस करंजीनम शाम नेवर सेड दैट ही इज अ किंग एंड हिज फर्स्ट असाइनमेंट एज कैप्टन शान डिड अ रीजनेबल जॉब इन सीरीज। बाबर इज लाइटली क्रिटिसाइज्ड एज नंबर वन पाकिस्तानी बैटर। शान ने बीच बीच में कुछ अच्छे फैसले भी किए हैं और कुछ बकवास फैसले भी किए हैं, जैसे कि आज 18-20 ओवर के बाद आमिर जमाल को ओवर देना। But does it make sense? You have only 130 on the board. Give the damn ball to your number one bowler. Simple as this. What are you waiting for? So, और बाकी स्लिप में इनएक्सपीरियंस बच्चों को के जो कि स्लिप के फील्डर नजर नहीं आते उनको वहां पे खड़ा करना, ये बीच बीच में गलतियां की हैं, लेकिन इन गलतियों के साथ साथ देखा जाए तो काफी अच्छे फैसले भी किए। फील्ड प्लेसिंग ओवरऑल काफी अच्छी थी और कुछ फैसला साजी भी अच्छी थी। कल जैसे उसको भी ट्रैप किया स्मिथ को फील्ड अच्छी सेट करके, तो या मिच मार्श को एमसीजी में पहली वाली इनिंग में जिस तरह ट्रैप किया, तो बीच बीच में अच्छी बॉलिंग भी रोटेशन भी की। और अब जब ऐसी बात होती है तो उस पर सब पे पानी फिर जाता है, जैसी आज हरकत की है। भाई तुम्हें पता है 130 है, चांस कम है, तो तुम क्यों बेवकूफ़ी वाली हरकत कर रहे हो? तुम बॉल दो उसे, क्यों अपनी तरफ क्रिटिसिज्म को लेके आ रहे हो? और बात क्रिटिसिज्म है भी जायज, तो ओवरऑल ठीक है, अभी काफी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और उस सब से बढ़ के कि जब आपकी परफॉर्मेंस होगी ना टीम में, तो तभी आपकी इज्जत होगी ड्रेसिंग रूम में भी। जब आपका लिखा होगा जी 30 मैच हो गए हैं, 30 की एवरेज है, 25 की 28 की एवरेज है, तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर लोग जो है आपको वो वाली इज्जत नहीं देंगे। बाकी बाबर की तो क्या ही बात करनी, सुपर फ्लॉप गया पूरी सीरीज में। नवदीप शर्मा कह जना मोहसिन साहब बताइए प्लीज, पाकिस्तान नॉट प्लेइंग वेल इन सेना कंट्रीज, व्हाई सैड टू सी दिस पैथेटिक बैटिंग बाय पाकिस्तान। देखिए जी, आई एम वेरी सॉरी, मैं सीधी और साफ बात करूंगा कि पाकिस्तान कभी भी सही नहीं हो सकता जब इम्पोर्टेड फैसले होते हैं। जब इम्पोर्टेड फैसले होंगे सिस्टम कमजोर होगा, आपके सिस्टम में किसी से भी 100 करवा देते हैं, किसी से भी 5 विकेट गिरवा देते हैं, जैसे ही उसे इंटरनेशनल स्टेज पे लाते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ 1 or 2 99% फेल हो जाते हैं। अंपायर बिकते हैं, जुआ इतना होता है, जब आप खुद उनको बकअप करते हैं, आप खुद ऐसी चीजें नासूरों को आगे करते हैं, और फिर सबसे बड़ी बात क्रिकेटिंग इलिटरेट्स आके जब भाषण देते हैं और क्वेश्चन करते हैं जो जेन्युइन लोग होते हैं, तो फिर यही हाल होते हैं। सेना कंट्री में एक टाइम था कि जाके कुछ ना कुछ ऑस्ट्रेलिया के अलावा अच्छा ही कर लेते थे। इंग्लैंड में भी 16 में हमने सीरीज बराबर की 2-2 से, 18 में भी 1-1 से बराबर की, 20 में फिर हार गए। साउथ अफ्रीका में पिछली दफा जो गए हैं हम हार के आ रहे हैं वहां पे भी। न्यूजीलैंड में भी जीत जाया करते थे, फिर अभी 2 दफा हम जब लास्ट में गए हैं दोनों दफा ही 2-2 मैच हार के आए हैं। तो वो अब जब बल्कि वो भी न्यूजीलैंड भी हमें यूएई में हरा के गया था, ऑस्ट्रेलिया हमें हमें घर में हरा के गया, इंग्लैंड हमें व्हाइट वॉश घर में करके गया, सिर्फ साउथ अफ्रीका को कैसे तैसे हमने घर में हरा दिया था दोनों मैचेस में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेना कंट्री में जाके हार रहे हैं, द ट्रूथ इज वी आर लूजिंग एट होम टू, somehow we manage some surprising results in few and far between, जैसे अभी श्रीलंका में जाके 2 मैच जीत लिए, very surprising था, मुझे लगा कि शायद 1-1 से ही बराबर होएगा, तो वो दोनों मैच जीत गए। ऐसा कुछ कुछ कभी कभी अच्छा कर देते हैं, वरना ये वैसे ही खेलते हैं कि जैसा कि एक्सपेक्टेड होता है, घटिया गंदा। तो ये तो भाई आपका नुक्ता नजर है ना गोल्डी ब्रार साहब, अब आप को ऐसा लगता है तो इसका मतलब पूरी दुनिया का तो ऐसा नहीं लगता ना। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इज ओनली कंटेंडर फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया नहीं, इंग्लैंड बहुत अच्छा खेल रहा है यार, अब पिछले काफी अरसे से वो बड़ी अच्छी। इस ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड ने वैसे घर में सही कुछ उम्र निकाल दिया था,
वो तो सीरीज ले गए थे, वो तो बारिश ने इनको बचा लिया, 100% हारा हुआ मैच था। थोड़ा सा कोई दो सेशन और हो जाते तो बस वो मैच जो है इन्होंने हार जाना था। अब किस्मत अच्छी थी कि ये रिटेन करके आ गए हैं, तो आपने इंग्लैंड का नाम ही नहीं लिखा बीच में। इंग्लैंड बहुत अच्छी क्रिकेट खेला, टेस्ट क्रिकेट। मोहम्मद सरवरी साहब कह रहे हैं करेक्शन, एवरी ऑनेस्ट पर्सन लेबल्ड जोकर दीस डेज मोहसिन भाई, आई सी द सैटिस्फेक्शन ऑन पाकिस्तान फेसेस विद अ वेरी लिटिल पॉजिटिव्स इज अ सैड स्टोरी। जी बात ठीक है आपकी के ये जोकर वाली, तो आप मोहसिन भाई इस पे बात करेंगे, मैं अगली वाली बात कर रहा हूँ। आई सी द सैटिस्फेक्शन, यार किस बात की इनकी, ये शर्मिंदगी वाली सैटिस्फेक्शन ही है, वरना तो कोई इन्होंने काम किया नहीं है सैटिस्फेक्शन वाला। 3-0 सीरीज से पहले भी था, 3-0 हो ही गया। हम भी इसी उम्मीद में थे, हमने नहीं कहा कि जी आप तीनों मैच जीत जाए, या हमने कहा था आप तीनों मैच हारना नहीं, दो हार जाना, एक मैच तुम ड्रा कर देना, जीतना भी नहीं, उसी में हम खुश हो जाएंगे। वेल रिजल्ट आपके सामने, पॉजिटिव सिर्फ आमिर जमाल निकल के आया है, आमिर जमाल और रिजवान के अच्छे रन आ गए हैं। वो तो खैर अच्छा खेल ही रहा था, और वो पहला टेस्ट बाहर बैठा, हाँ जो पहला मैच बाहर बैठा था, अब बीच में सलमान आगा भी, और दूसरे टेस्ट में भी इतना शोर मचाया कराची ने, ओए होए 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 होए, जुलम हो गया, तबाही हो गई, बर्बादी, ये मेंटालिटी से हम मैच जीतेंगे। तो सेटिस्फेक्शन इनके चेहरों पे किस चीज की है सरवरी साहब, इन्होंने तो कोई ऐसा कमाल काम किया नहीं है सेटिस्फेक्शन वाला। तुम चार चार मैच दिन में मैच, बल्कि ये तो बारिश होगी वरना तीन दिन में ये मैच खत्म हो जाना था, पांचवें दिन तुम्हारी सीरीज का एक मैच भी नहीं गया, लेकिन नहीं गया। ये पॉजिटिव है ना, पहले तीन दिन एक एक इनिंग से हारते थे, अब चार दिन में तो गया, ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है। आई वॉन्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, लेट्स विन ऑल द मैचेस। बस चाहने से तो वाह, ये ऐसे ही है कि आप चाहते हैं, नहीं आप चाहते हैं सारी जिंदगी सुबह ही रहे रात ना हो, या सारी जिंदगी अंधेरा रहे सुबह ना हो आप सोते रहे, ये हो नहीं सकता। बहरहाल जी, आज दुनिया क्रिकेट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द लेजेंड्स, लिविंग लेजेंड, ट्रू लेजेंड्स, ट्रू, अगर कोई रिजवान अदर दुनिया क्रिकेट में अगर कोई ट्रू ऑलराउंडर आया था 24 साल की उम्र में, जिसने अगर वर्ल्ड कप जिताया था, तो कपिल देव साहब की आज बर्थडे है जी, तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, व्हाट अ लेजेंड ही वाज। एब्सोल्युटली, वैसा तो इंडिया को भी नहीं दोबारा मिला कोई। सर दुनिया क्रिकेट में चार ऑलराउंडर, पांचवा क्लाइव राइस था, लेकिन वो क्योंकि अनऑफिशियली था, साउथ अफ्रीका बैन था, चार ऑलराउंडर थे, और ये हमारे लिए फखर की बात है, दो मारे थे उनमें, कपिल देव और इमरान खान, बॉथम और ये रिचर्ड हैडली। करण मल्होत्रा साहब, इंडिया कनेक्ट मोर इमोशनली विद ऑस्ट्रेलिया देन पाकिस्तान, ऐसा नहीं होता यार, कनेक्शन की बात नहीं है। देखे इंडिया को एक जो बहुत बड़ा एडवांटेज है, देयर प्लेयर्स लिव एंड डाई फॉर देम, मैं नहीं कहता पाकिस्तानी नहीं, मेजॉरिटी ऑफ हमारे क्योंकि पर्चियां आती हैं, तो ये पर्चियों का वो इतना, और यहाँ जो भी स्टाफ आता है उसे पता होता है, गो लूट ले, जितने दिन है उतने दिन में दबा के याशी कर ले। आपकी टीम की सबसे बड़ी बात है कमिटेड होते हैं, और आपका क्राउड जो आता है ना, वो आपका 12वां प्लेयर होता है दुनिया भर में। Smith Ganjina, people don't know the meaning, secret meaning of Mohsin Bhai's word parchi. When Mohsin Bhai says parchi, he means my favorite or most talented. Rez, kuch samjhao in logon ko. Haan, waise, wo Akshar Patel ko ek dafa inhone bol diya. Baki aisa hai ki kuch players perform kar jate hain, lekin ye imam type dekhen. Ye kaafi saalon se lage hue hain ji, parchi, parchi. To wo waisi performance hi hai. तो बीच बीच में कुछ कुछ परफॉर्म कर देते हैं, अक्षर पटेल का नाम यार, कुछ बंदा गुस्से में भी कह देता है ना। अब मैं कोई आसमानी तौबा इस्तफार वो तो नहीं हूँ, इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, मैं पर्ची कहता हूँ ना, मैं गाली तो नहीं देता, मैं मुख्तलिफ वो तो नहीं नाम रखता ना,
पर्ची क्या देता हूँ, चले पर्ची अगर बुरी चीज है तो पी का दिया करूंगा। तो हिट एंड समटाइम्स ही इज नॉट एडमेंट, ही टेक्स हिज वर्ड्स बैक व्हेन अ प्लेयर परफॉर्म्स, लाइक सलमान आगा डिड अमेजिंग जॉब। सो इन्होंने कहा जी मैं जो बोला था पर्ची का मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, और उसने ऑस्ट्रेलिया में भी ठीक ही परफॉर्मेंस दिखाई है। और आमिर जमाल का ही वाज सेइंग टॉकिंग अबाउट सम सहाफी उसके उसमें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन अच्छी बात है कि उसने परफॉर्म किया। तो मैं तो चाहूंगा कि ये ज्यादातर मैं तो चाहूंगा कि जो नया लड़का है हर किसी को पर्ची पर्ची बोलते हैं, तो उसमें से अगर आधे परफॉर्म करते हैं तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। लेकिन ये 50% जिसको बोलते हैं पर्ची वो परफॉर्म कर देता है। रिजवान भाई मुस्लिम भाई आज सिर्फ पॉजिटिव देखें, सलमान एंड एलिगेंस ऑफ जमाल आर प्लस, नया साल और खुशी लाएगा फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। आमीन जी आमीन, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, हमारे रिश्ते अच्छे हों, हमारी आपस की जो दूरते हैं दूरियां हैं वो कम हो जाएं, तो इट्स वेरी गुड फॉर अस। देखिए ये क्रिकेट के लिए भी बड़ा जरूरी है, दुनिया क्रिकेट बात करती है इंडिया पाकिस्तान की, एवरीबॉडी वॉन्ट्स ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड अफ्रीका श्रीलंका, एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू गिव देयर वेन्यूज गिव देयर स्टाफ सपोर्ट स्टाफ टू मेक श्योर इंडिया पाकिस्तान प्ले इन देयर ग्राउंड। भाई वो कोई हम पे एहसान नहीं कर रहे, उन्हें पता है। ये देखे दुबई जैसे सहरा में हमने शारजा में मैचेस खेले, हेडक्वार्टर आईसीसी का हेडक्वार्टर आ गया रिजवान हैदर दुबई में। देखें पॉजिटिव तो चलो हम बात कर रहे हैं, आमिर जमाल सलमान आगा अच्छा कर गया, रिजवान डिड डिसेंट जॉब, लेकिन कब तक हम सिर्फ प्लेइंग 11 में से सिर्फ दो तीन प्लेयर की बात करते रहेंगे, ये दो अच्छे खेले हैं ये तीन अच्छे खेले हैं, और बाकी जो साले 6-7 आए उन्होंने कब अच्छा खेलना है, एज अ टीम कब अच्छा करेंगे, कि एज अ टीम ही कभी अच्छा कर दे। तो हम सिर्फ ये बोल रहे हो जी 11 में बस एक आधा अच्छा नहीं खेला, खैर है वो तो अंडर द कारपेट बात चलेगी, क्योंकि हम जीत गए क्योंकि 9 लोगों ने परफॉर्म कर दिया, 8 ने परफॉर्म कर दिया, सिर्फ एक दो को ठीक है। आमिर जमाल बहुत अच्छी बात है, अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन अभी नया है, आगे देखो जब और रियल टेस्ट और भी आएगा कैसा परफॉर्म करेगा, बट ही इज लुकिंग गुड एट द मोमेंट, इन्वेस्ट करें उसको, अच्छा स्किल सेट नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। पाकिस्तान डोंट डिजर्व टू प्ले टेस्ट, दे डोंट हैव माइंडसेट टू विन, और हफीज विल स्टिल से दे प्लेड वेल टू सेटिस्फाई ईगो, नो इशू विद शान एज कैप्टन। अनिकेत इस पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कर ली है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस को पैमाना बनाएंगे तो फिर इंडिया के अलावा बाकी तमाम टीमों को टेस्ट खेलना बंद कर देना चाहिए, इंग्लैंड न्यूजीलैंड समेत। लेजेंडरी कोहली साहब कह रहे हैं We thought maybe this time they will turn it but 3-0 again and most embarrassing losing streak in the cricket history continues 17 consecutive losses in Australia and 23 out of 24 in South Africa. Bas ji ab is pe sharmindagi sharmindagi hai aur kya kaha jaye is pe, उम्मीद थी कि कुछ अच्छा करेंगे ये बेहतर कर लेंगे, लेकिन खैर उम्मीद ही रही। आई थिंक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स नीड टू बॉल लाइक इंडिया, और बॉलर तो बैटिंग क्या कर मेन जी आप बताइए, तीनों में से क्या आपको पाकिस्तान का बहुत टेरिबल किस्म का जो बॉलिंग फील्डिंग बैटिंग और सिर्फ आमिर जमाल की बॉलिंग आप कह सकते हैं, बाकी तो इवन शाहिनशाह यू कांट से योर स्पेयर हेड कैन बोल ऑन 127-128 और एक मैच में उसकी चार है, बाकी मिला के उसकी चार विकेटें हो, तो मेरा ख्याल है सिर्फ आमिर जमाल आप कह सकते हैं बॉलिंग की हद तक। चले कप्तानी में आप मार्जिन देना चाहते हैं, ठीक है बात सही है, पहले सीरीज है। रिजवान कभी कभी ना किताब को देख के, वैसे तो मैं नहीं मानता कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट समटाइम कवर्स आल्सो टेल द नेचर ऑफ द स्टोरी, के कॉमिक है
ट्रेजडी है, लव स्टोरी है, ड्रामा है, क्या है? तो ओवरऑल सिर्फ एक पॉजिटिव है अगर मेरे से कोई पूछे, वो आमिर जमाल। ऐसे ही मोहसिन अली साहब, कल इस टाइम तक हम टी के तरफ अप्रोच कर रहे थे एंड वी वर वेरी डिलाइटेड क्या हमने 5 विकेटें ले ली। मैं तो पहले दिन से दुआ कर रहा था कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बरकरार रहे, मगर ये हो ना सका। इंग्लैंड जाके भी इन्होंने, मनुष्यों ने आपकी मुस्कुराहट कायम नहीं रहने दी। अभी तो वहां पे मेरे ख्याल से सुबह के 4 बज गए होंगे जी, 4 बजने वाले हैं। हाँ वही 3-4 बजने वाले हैं, 4 बजने वाले। इसमें कह रहे हैं जनाब, प्लीज मेरे भाई, पीपल विल फॉरगेट व्हाई राउफ डिडंट गो, एवरीवन ओनली विल रिमेंबर एम्बैरेसमेंट ऑफ 3-0 और पीपल हैव अ वेरी शॉर्ट मेमोरी, सून टी20 प्लस टी, दैट्स इट। PSL, T20 and PSL. What I am telling that it was an opportunity. जिस बंदे में दम है ना और जो अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, वो तो कहता है जी बेशक मुझे तुम ऑस्ट्रेलिया ही ले जाओ, मैं जाना चाहूंगा। जैसे ये बच्चा गया आमिर जमाल, परफॉर्मेंस दिखाई आपके सामने, तो अब वो T20 के काबिल ही बॉलर है, वो T20 खेलता रहेगा। वो जिंदगी में शायद रेड बॉल वगैरह उसने कभी खेली नहीं, उसके एम ही डिफरेंट है। तो ठीक है, आप कोई नहीं खेलना चाहता तो जबरदस्ती तो आप नहीं खिला सकते, तो छोड़े उसको खेलने दें जो वो खेल रहा है। लेकिन 3-0 हो गया ना, एम्बेरसमेंट हो गई, शर्मिंदगी हो गई, लेकिन हर तीसरा बंदा आमिर जमाल कर रहा है। क्यों? उसने तो अपनी परफॉर्मेंस दे, अपने दिल जीत लिए ना लोगों के। तो इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द प्लेयर्स, कुछ अच्छा किया, कुछ ने बुरा किया, कुछ ने अपनी बेइज्जती करवाई है, कुछ ने लोगों के दिल जीते। मौसम भाई, व्हाई सो मेनी स्पोर्ट्स स्टाफ इन पाकिस्तानी टीम? हारी साहब है, फिर भी कुछ फायदा नहीं होया। सुनील पॉल कह रहे हैं ना, व्हाट हैपेंड टू साजिद, व्हाई ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड? बस वो चाहता था हर बॉल पे अपील हो, हर बॉल पे विकेट आए, नहीं देगा तो उसको चीर फाड़ दे, ये ओवर एग्रेशन कहलाता है। कमेंटेटर भी यही कह रहे थे, बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखा रहा था, स्पिनर का इतना एग्रेशन कभी देखा नहीं। नहीं, एग्रेशन तो सालों तब दिखाओ ना मैच जीत जाओ, मैच तुम हार गए हो, 130 करना है, मतलब एंड पे दूसरी विकेट ले ली है, पूरा 41 की एवरेज से विकेटें दो ली है तो फिर भी, और वो 77 की एवरेज से 3 विकेटें, सबसे ज्यादा मार खाई है, कोई कंट्रोल नहीं दिया। वो पार्ट टाइमर जो है साजिद, वो सलमान, वो तुमसे अच्छी बॉलिंग कर गया है, मतलब यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, मैच लग गए मैच के। Sharing one, my happiness with you is one by Musa sir. I became a father yesterday, blessed with a healthy baby boy. MashaAllah. Allah Ta'ala zindagi de, sehat de, maa bache ko, aur wo aapke liye, aapke khandan ke liye, bhai se rahmat bane. Congratulations to you. Musa bhai, theek bolte hain ke inki tashreef pe danda lagana chahiye. Ye hamari walon ne bhi World Cup final mein dash dash kar diya. और फीलिंग का कोई अंदाजा नहीं What is this? तो फीलिंग का तो ये मजाक उड़ाते हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेजेंडरी साहब कोहली साहब कहते हैं, सुमीर भाई इज राइट, पाकिस्तान शुड फॉरगेट अबाउट टेस्ट क्रिकेट नाउ। जो टीम ना अपने घर में जीत सके और ना बाहर जीत सके, तो एटलीस्ट इंग्लैंड न्यूजीलैंड दूसरों के घर जाके तो जीत ही लेते हैं। यार अभी हमने श्रीलंका में जीता है, ये तो इल्जाम है हम पे। वेस्ट इंडीज में हमने जाके एक टेस्ट मैच जीता है, बांग्लादेश में हमने टेस्ट मैच जीता है, ऐसा भी नहीं है। देखिये, न्यूजीलैंड से आप जो मैच हार गए थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, हालांकि आपको नहीं हारना चाहिए था, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया नहीं है। आज हमारी जो लूजिंग स्ट्रीक है वो 17 पे पहुंची है, कल तक हम बराबर थे न्यूजीलैंड के, 16 मैच वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाके हारे हुए मुसलसल, 16 मैच उनके भी। तो ऐसा नहीं है कि बाकी, मैंने आपको पहले बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के पैमाना रख के आप नापेंगे, सिर्फ इंडिया ही जीता है 2 बार, बाकी ना वहां पे जाके कोई एक मैच भी नहीं जीता, ना न्यूजीलैंड ना इंग्लैंड वगैरह, कितने साल ही हो गए। और पाकिस्तान बीच बीच में जाके कुछ अच्छा कर देता है, इंग्लैंड से हारे हैं 3-0 घर पे, लेकिन मुल्तान वाला मैच ये जीत सकते थे,
वो अंपायर की बेईमानी की वजह से वो सिर्फ 25-28 रन से वो मैच हारे, कंपीट उस मैच में किया था, 2-1 हो सकता था। वो पिंडी वाला भी मैच जो है वो भी क्लोज था। फिर बांग्लादेश में दोनों मैच जीत के आए, बांग्लादेश में तो चलो, लेकिन वो बीच बीच में बांग्लादेश में जीतना आसान नहीं है। एक मैच में वो इंडिया को भी फंसाने के करीब आ गए थे, कोई पिछले साल की बात है शायद या इसी साल बचा की। लिया था अय्यर और अश्विन ने हाँ, बचा लिया। ड्रॉ सीरीज वेस्ट इंडीज में खेली थी, श्रीलंका में अभी 2 मैच जीते। कुछ ज्यादातर हारते हैं, थोड़ा थोड़ा जीतते हैं, लेकिन उसका ये नतीजा नहीं है कि जी आप टेस्ट पे ही पाबंदी लगा दें। हमसे घटिया टीमें भी पड़ी हुई हैं मैदानों में, तो ये तरीका नहीं होता कि आप टेस्ट पे भी जाते। आपको हसन अली की मेहरबानी से वो कैमरोज का कैच छोड़ दिया। हाँ, उधर भी 2-0 हो जाता वेस्ट इंडीज में भी, उधर भी उसने मुंह से 92 कैच की पकड़ा। औसत से एक विकेट लिया हसन अली ने 92। मौसम भाई, वुडन रिजवान हैव बीन अ बेटर चॉइस एज अ कैप्टन? ये हमजा तनवीर पूछ रहे हैं। सर जी मैं तो पहले कहा था अब क्योंकि अब देखिए ईशान मसूद बन गया तो आई विल गो के उसको थोड़ा टाइम दिया जाए। दिस इज नॉट फेयर कि आप एक एक सीरीज और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह जहां आप कभी भी नहीं जीते। ऑनेस्टली ही डिड अ फेयर जॉब। ये नहीं है कि मतलब ही वाज एट टाइम्स ही वाज वेरी पथेटिक। आप बैटिंग में अगर रिजवान हैदर उसे कोई डिफेंड करेगा तो उस पर मैं बहुत सख्त इत्तेजाज करूंगा। ओवरऑल कप्तानी का अगर आप कहेंगे तो आई विल एग्री, 10 में से 6.5-7 भी दे दें तो आई डोंट माइंड। कप्तानी बैटिंग में मैं उसको बिल्कुल मार्जिन नहीं दूंगा। आई डोंट एग्री विद दिस कि जनाब आपने 50 तेज किया और फुद्दू लगा के निकल लिए, बाहर जाती भी बाल पे अंडे पे आउट हो गए, आपने मरवा दिया टीम को अपनी। कप्तान है आप। नहीं, मजा तो ये था ना कि एक इनिंग्स में करता 125-150 कुछ ऐसा। खैर, किसी ने भी बड़ी इनिंग नहीं खेली, 100 एक भी नहीं है, एक भी 100 नहीं है। मनदीप फिर कह रहे जी ना, ब्रदर ऑस्ट्रेलिया टीम इज ऑलवेज चीटर। क्यों भाई, नहीं चीटर तो नहीं, उन्होंने चीट तो बेचारों ने कोई नहीं किया। वो जीतने नहीं देते, वो जीतने नहीं देते तो इसलिए वो चीटर है। नहीं चीटर क्या चीट किया उन्होंने भाई? फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो ज्यादती है चीटर कहना। वो भाई अर्न करते हैं, हाँ एट टाइम बकवास करते हैं, कुछ वो भी करते हैं, बट चीटर जरा सख्त लफ्ज है। डीआरएस को जैसे वो कह रहा है जी हफीज के कर्स है, तो डीआरएस ये तो वो तो वो। डीआरएस तो रिजवान साहब देखे, आज उस्मान खाजा वाला भी बहुत ही जुल्म है यार, बेशक पाकिस्तान के हक में आया, इट वॉज जस्ट किसिंग। उसमें कह रहे हैं वी इंडिया वुड लव टू प्ले 7 टेस्ट मैचेस, 10 ODIs एंड 3 T20s विद पाकिस्तान ASAP, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, नो प्रॉब्लम, मजा आ जाएगा, पार्टी पार्टी हो जाएगी। तो हम तो तैयार हैं, आप खेल लें। सबसे कम T20 रखे हैं क्योंकि उसी में हमारा चांस है। चलाको मासी देखे लोमड़ी, ये आपको लोमड़ी कहता है, ये खुद लोमड़ी है, मक्कार लोमड़ी है, मक्कार वाली लोमड़ी। इसे पता है टेस्ट में तो हम बड़े हुए हैं, वनडे में भी बढ़ गए। T20 गए ना, 10 T20 खेलने हैं, 1 T20 का साल है, फिर मजा आए, फिर पता लगेगा क्या होगा। हाँ, टेस्ट में मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ODI में भी मुश्किल है, T20 में कोई मुकाबला होगा तो T20 के मैचेस बढ़ा दें। बाकी बस हम तैयार हैं खेलने के लिए, आप बस अपने बोर्ड को मनवाएं जरा, वी आर रेडी टू प्ले। वैसे ये ऑन अ सीरियस नोट कि अगर ये पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेटिंग टाइज बहाल होते या खेलते रहते, जैसे कि दूसरी टीमें इंडिया जाती हैं, पाकिस्तान भी जाता, इंडिया पाकिस्तान भी आता, तो ये जो ओवरऑल पाकिस्तान का टेस्ट और वनडे में सुपीरियर रिकॉर्ड है अगेंस्ट इंडिया, तो ये मेरे ख्याल में बराबर हो के इंडिया ऊपर सबकत भी ले चुका होता शायद, जिस तरह की टीम इंडिया की अच्छी रही है पिछले 14-15 साल, और पाकिस्तान की दिन ब दिन नीचे 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 ग्राफ जाता रहे, तो टेस्ट और वनडे में पाकिस्तान का ओवरऑल सुपीरियर रिकॉर्ड है। मतलब जितने मैच कहीं पे भी बायलैटरल के, वर्ल्ड कप के, एशिया कप के, सारे मिला मिलू के, तो पाकिस्तान ज्यादा मैच जीता हुआ इंडिया की निस्बत। हाँ, अगर ये खेलते रहते तो मैं समझता हूँ वो बराबर हो जाता। टेस्ट मैच में भी हम 12 और 9 का फर्क है मेरे ख्याल में,
12 पाकिस्तान है, 9 इंडिया, ओडिया में भी कोई 20 का फर्क होता था जो कि अभी मेरे ख्याल में 15 कराया गया, तो ये इंडिया टॉप ऊपर चला जाता अगर ये मैचेस होते रहते। खैर नहीं हो रहे तो ये रिकॉर्ड जो है, वरना ये भी जाना था। नमस्ते मोहसिन सर, सॉरी फॉर पाकिस्तान फॉर बैड परफॉर्मेंस। तो तेजा साहब आपने तो नहीं कैच छोड़े, आपका भी क्या कसूर है भाई जान? हम सॉरी करते हैं जो सुबह 4 बजे हमारे साथ उठ के बेचारे लोग अश्लील होते रहे और हमारे साथ खड़े रहे। ये भी रिजवान साहब की मेहनत है कि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, इन्होंने प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया। आज फैमिलीज, ये मेरा क्लेम है कि सबसे ज्यादा फैमिलीज रिजवान अदर चैनल को देखती है, क्योंकि बहुत सारी जगह तो इंक्लूडिंग मेरे चैनल के जाना ख्वातीन के लिए तो नामुमकिन है, क्योंकि वहां कुछ आते हैं स्पॉइल्ड वंस और मैं अपने आप को रिजवान की तरह कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये मानने वाली बात है कि रिजवान साहब का फैमिली चैनल है, ये सच है, और ये इन्हीं की मेहनत है कि आप दो सुबह 4 बजे 5 बजे ऑड टाइम्स पे आते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं, कुछ होते हैं मजे लेते हैं, वो ये भूल जाते हैं दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। बाकी आपका शुक्रिया तेजा शाह साहब, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं सॉरी करने की। आपने कौन सा अब्दुल्ला को या साहिब को चूंडी काट दी थी जब वो कैच पकड़ने लगे थे? मतलब इट्स ओके। या कौन सा फेस की वो टेढ़ी टोपी लेके भाग गए थे? अब्दुल गनी जी कहेंगे ना, रिजवान सर एंड मोहसिन सर, प्लीज टेल समथिंग अबाउट आमिर जमाल बैकग्राउंड एंड व्हाट्स योर प्रेडिक्शन फॉर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 5-0। आमिर जमाल के तो यार मोहसिन भाई ने काफी अभी सवाल बार बार भी हो रहे हैं, थोड़ा इन्होंने शिद्दत से कुछ बोला था, पता नहीं कौन से साहबी की बात कुछ कर रहे थे, बाकी बैकग्राउंड तो आमिर ये मोहसिन भाई बताएंगे ज्यादा। नहीं नहीं, शिद्दत से क्या बोला था, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से है, नहीं खेलने देते थे, ऑस्ट्रेलिया चला गया तो फिर इसने बड़ी मेहनत की है। देखे मेहनत जो है वो कभी इंसान इसके ऑफ द फील्ड, अब मैं आई डोंट वांट टू डिस्कस हियर, अच्छा नहीं होता, हर इंसान की पर्सनल लाइफ होती है, बहरहाल इसका थोड़ा, लेकिन ये वाला जो देखे, मैंने हर टेस्ट मैच में इसके एटीट्यूड को सराहा है, वो इसलिए कि एक फास्ट बॉलर का एग्रेशन जब वो परफॉर्म कर रहा हो फिर मजा आता है। हम्बल बैकग्राउंड है, बहुत मेहनत की है इसने, हाँ इसको जिसे कहते हैं ना ऑफ लेट बड़ी तेजी से इसको जिसे कहते हैं ना पैराशूट के जरिए लाया गया, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ऐसी परफॉर्मेंस दे या आप दो दफा 6-6 विकेटें भी लें, 18 विकेटें भी लें, बल्ले से भी रन करें, एग्रेशन भी मजे का हो, तो मोहसिन अली की क्या जरूरत है वो कोई भी ऐसी बात करे। बाकी क्लोज टू द सीरीज बात करेंगे, लेकिन 4-1 शायद इन फेवर ऑफ इंडिया, तो स्क्वाड अनाउंस हो जाए तो फिर जरा उस पर बात करेंगे हम। सही बात है, बारिश भी हो सकती है, कुछ हो सकता है। मौसम में कार्ड साउथ पाकिस्तान बिगेस्ट प्लेयर दिस सीरीज, अब कौन है बिगेस्ट प्लेयर दिस सीरीज? मे बी यू सेड दैट ही विल स्कोर रन्स। हाँ वो तो मैंने क्या बहुत सोने कहा था, हाँ तो अब नहीं आए तो क्या किया जाए भाई, फिर अब नहीं आए तो नहीं आए। जेम्स डैनियल कहेंगे नाम, सलाम ब्रदर्स, admire your views. I feel Shan has emerged as a decent captain, above all a good test batsman. At times I feel he is way too mild. Jamal is a good find. He could be touted as the next Razak. जी सारी बातें हमने की हैं जेम्स डैनियल साहब, ओवरऑल ठीक रहा है एज अ कैप्टन, बीच बीच में कुछ बेवकूफों वाली हरकतें की हैं, जैसे आज उसको एंड तक ओवर ही नहीं दिया, और ओवरऑल फील्ड प्लेसिंग वगैरह भी अच्छी थी। बाकी आपने बोला है कि इसको क्या अब्दुल रजाक नेक्स्ट बना सकते हैं जमाल को, ये उससे बड़ा बन सकता है, ये उससे बड़ा बन सकता है, इसको दो फायदे हैं, ये अब्दुल रजाक से बड़ा ऑलराउंडर बन सकता है। समीर कहेंगे तेजस ने बाबर के बैट पकड़ के उसको अफरीदी को नींद की गोली दे दी थी, अब क्या फायदा तेजस पूरी बोलने का, और पाकिस्तान तो तुम्हें ठुकवा दिया। ठुकवा दिया समीर भाई, आज बड़ी फॉर्म में है भाई, चलाक लोमड़ इज इन अ ग्रेट ग्रेट निक। तो भाइयों बस ख्वाब ख्वाब ही रहा, तभी फिर आपसे ज्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह, फिर आपसे शाम में मुलाकात होगी, ख्याल रखिए अपना, लव यू ऑल, बाय बाय।